फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने जो पहले जो वीडियो में पढ़ा था उसमें कुछ इसका एग्जांपल पढ़ा था। इसके दो एग्जांपल हम इस वीडियो में और सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल ले लिया हमने, डेल लॉग एफ एक्स बराबर हमें प्रूव करना है लॉग वन प्लस डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये प्रूव करना है। तो हमें एल एच एस से हमने स्टार्ट किया, लॉग डेल लॉग एफ एक्स बराबर क्या हो सकता है, लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स, लॉग एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे हमने एफ एक्स को जोड़ दिया, एफ एक्स को माइनस कर दिया है क्योंकि हमें यहाँ पे डेल बनाना पड़ेगा, सॉरी वन बनाना है। तो उसके लिए हमने ये कर दिया, तो एफ एक्स कट जाएगा और ये रह जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जो कि डेल होता है। तो ये हो गया लॉग वन प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स जो कि हमें प्रूव करना था। और अपने पास सेकंड प्रॉब्लम है, वो है हमारे पास सो दैट के बराबर जीरो टू एन माइनस वन तक जा रहा है डेल स्क्वायर एफ के बराबर डेल एफ एन माइनस डेल एफ जीरो, ये हमें प्रूव करना है। तो उन्हें हम आर एच एस से लिया, तो के बराबर जीरो से ई माइनस वन डेल स्क्वायर एफ के फ्रेंड्स, तो एफ के ये के बराबर जीरो से एन माइनस वन डेल स्क्वायर जगह हम क्या लिख सकते हैं ई माइनस वन, तो ई माइनस वन का होल स्क्वायर एफ के, ई माइनस वन का होल स्क्वायर खोल दिया तो ये होगा ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन एफ के, के बराबर जीरो टू एन माइनस वन, के बराबर जीरो टू एन माइनस वन, एफ के को सिंपल यहाँ पे ऑपरेट करा दिया तो ये होगा एफ के प्लस टू माइनस टू एफ के प्लस वन प्लस एफ के, ये हमारे पास है फ्रेंड्स। अब हमने इस के बराबर के की वैल्यू रखते गए, के बराबर जीरो रखा तो ये होगा एफ टू माइनस टू एफ वन प्लस एफ जीरो, फिर के बराबर वन रखा तो ये आ गया एफ थ्री माइनस टू एफ टू, के बराबर वन यहाँ तो प्लस एफ वन, इस तरह के बराबर टू रखा तो एफ फोर माइनस टू एफ थ्री प्लस एफ टू, इस तरह टर्म आगे हम वैल्यू लिखते जाएंगे। जैसे एन वन और एन माइनस थ्री रखा तो ये आ गया एफ एन माइनस टू माइनस टू एफ एन माइनस टू प्लस एफ एन माइनस थ्री, इस तरह एन माइनस टू रखा तो ये एफ एन माइनस टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, एंड एफ के बराबर एन माइनस वन रखा तो ये आ गया एफ एन प्लस वन माइनस टू एफ एन प्लस एफ एन माइनस वन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ध्यान देने वाली बात है, साई टर्म जो जैसे एफ टू है यहाँ से माइनस टू एफ टू ये कट जाएगा, एफ टू यहाँ से कट गए, यहाँ कट गए, यहाँ से कट गए, एफ टू वाइल टर्म सारी कट जाएंगी। इस तरह हमारे पास एफ वन वाइल टर्म सिर्फ ओनली इससे एक बचेगी, एफ वन वाइल टर्म एक बचेगी और बाकी एफ जीरो वाइल टर्म बचेगी, एक ये टर्म बचेगी क्योंकि कहीं पे एफ जीरो नहीं आएगा, और इस तरह एफ एन प्लस वन बचेगा और माइनस एफ एन ये बचेंगे। सो कट पेट के फ्रेंड्स हमारे पास ये बच जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल एफ एन, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले तो एफ एन माइनस एफ वन माइनस एफ जीरो, तो डेल एफ जीरो जो कि हमें प्रूव करना था, ये प्रूव करना था फ्रेंड्स। थैंक यू।